जहन दोस्तों, अभी बात तो आरओपी पेंशन रिवीजन की है और उसमें बहुत लिमिटेड लोगों को अभी फायदा होगा, लेकिन मैं आज उस बड़े फायदे की कर रहा हूं जो जवान है पेंशन जाना चाहते हैं। क्या उन्हें ये 8वां वेतन आयोग का इंतजार करके प्रीमैच्योर जाना चाहिए? अभी जाएंगे तो क्या नुकसान होगा, बाद में क्या फायदा होगा? क्या 8वां वेतन आयोग आएगा या नहीं आएगा, उसके ऊपर कल एक बहुत अच्छा एक आर्टिकल लिखा है एक ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं दोस्तों, आप प्लीज मेरे साथ बने रहना। उन्होंने लिखा है कि 8वां वेतन आयोग दो कंडीशन है, जैसा कि आएगा या नहीं आएगा। तो मान लो नहीं आएगा, नहीं भी आता है तो पे का किस तरह बढ़ोतरी होगी, और ये पे बढ़ोतरी दो कंडीशन में होगी, या तो 50% डीए जब पूरा हो जाएगा और जनरल इलेक्शन है 2024 में, तो उसके पास मर्ज करके आपको एक फैक्टर बना के बढ़ोतरी कर दी जाएगी, या आपका 10 साल का इंतजार करते हैं तो क्या फैक्टर बनता है, तो क्या आपकी सैलरी बढ़ेगी, और वो फैक्टर और वो सैलरी लेके ही आपको पेंशन जाना चाहिए। ये पर्सनल मेरी राय हो सकती है, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हो वो खुद देख लेना। इसमें एक 8th पे कमीशन के ऊपर एक रिपोर्ट है कि अभी तक आयोग गठन नहीं हुआ, नहीं हो जाना चाहिए था, इसका मतलब होगा नहीं, फिर भी इनको 10 साल बाद पे रिवीजन करनी है। बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उसका क्या खाका होगा? आज जो महंगाई भत्ता बढ़ रही है, महंगाई भत्ता बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही, उस हिसाब से उन्होंने आकलन किया है कि 8वें पे कमीशन में 1.96 का फैक्टर होगा, 1.96 का फैक्टर होगा, लगभग दो गुना। अब दो गुना किस तरह होगा, किससे दोगुना होगा? 2.57 से दोगुना। कैसे? कि 6th पे कमीशन जब लागू हुआ तब आपकी 1.86 का फैक्टर था जो वर्तमान में आप तनख्वाह ले रहे थे, और बढ़ोतरी 54% हुई थी, और मिनिमम आपकी तनख्वाह 7000 पर डिसाइड हुआ था। हमने भी लिया है, बहुत सारे पेंशनर उन्होंने भी लिया है। उसके बाद जब 10 साल बाद एक 2006 के बाद 2016 में जो फैक्टर, कई फैक्टर थे पे बैंड के हिसाब से, 2.57, 2.62, 2.68, 2.72 तक थे, लेकिन हमारे लिए था 2.57, लेकिन बढ़ा कितना, 14.29%, मतलब इससे कितना रेज हुआ आप देख सकते हो, 14.14 इधर ले लो और 57 इधर ले लो, इतना बढ़ा, कितना बढ़ा, 14.29, और मिनिमम आपकी हमारी तनख्वाह आज 18,000 बेसिक से न्यूनतम वेतनमान है। अब ये बोला जा रहा है यदि महंगाई भत्ता इसी रेस में बढ़ता है, और 1/1/2026 तक उन्होंने बोला है 70% डीए होगा, ये आकलन है इनका इसी, और लगभग हम ऐसा मान के चलते हैं कि 2022 खत्म हो गया, 2023 2024 में 8/8/16 और 1 जनवरी में लग जाता है 16/4/20, लगभग 70% वहां तक पहुंच रहा है जेन्यून तौर पर। तो इन्होंने बोला ये 1.96 पहुंचेगा, किसके जरिए, डॉक्टर एक्रोड जो फॉर्मूला इसके हिसाब से बढ़ेगी, इसके हिसाब से बढ़ती, तो आपकी न्यूनतम सैलरी आप डिसाइड कर सकते हो लगभग कितनी होगी, और कितना फर्क पड़ेगा ये आपको हमने बता दिया, ये फैक्टर होगा। अब ये फैक्टर आपका दो चीजें हैं, यदि 50% पे के ऊपर आप पे को यही बोलते हैं, नहीं अब मैं 50% डी होगा यही रिवाइज कर देता हूं, ये संभावना मुश्किल लग रही है क्योंकि सरकार के पास इतना बजट नहीं, और ये संभावना 99% सही लग रही है कि 1/1/2026 पर बिना वेतनमान आयोग के डॉक्टर एक्रोड फॉर्मूले के तहत हमारी सैलरी या पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है, और इसका फैक्टर 1.96 है अकॉर्डिंग टू डीए, वहां पहुंचेगा 70%। ये लग रहा है, रिलायबल है, आपको जैसा लगता है प्लीज कमेंट्स करिए। धन्यवाद।